हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं दीपक रोहिला आपका स्वागत करता हूं मनी मंत्रा के एक और यूट्यूब वीडियो में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं जो 2500 सब्सक्राइबर हो गए सर, इसके लिए मैं आप सभी का तहे दिल से आभारी हूं और आभारी रहूंगा। मैं अपनी पूरी कोशिश करता हूं कि आप लोगों के लिए अच्छी चीज़ें, अच्छे स्टॉक्स अपडेट्स मैं आपके लिए लास्ट को वीडियो में। देखो, इन्वेस्टमेंट सब लोग करते हैं बट प्रॉफिट सब नहीं बनाते। रीज़न, बिहेवियर डिफरेंस। सबका बिहेवियर अलग होता है, सबका ट्रेडिंग करने का स्टाइल अलग होता है। बोलते हैं ना, सबकी किस्मत अलग अलग होती है। वो डिपेंड करती है सर, हमारा बिहेवियर कैसा है, हम उस चीज़ को, उस ट्रेड को कैसे ले रहे हैं, हम क्या राइट प्रोसेस फॉलो करते हैं। आज भी मैंने किसी से मिला हूँ तो उन्होंने बताया कि वो उन्होंने 2 लाख रुपये इन्वेस्ट किए और 1.5 लाख रुपये एक स्टॉक में डाल दिया, 50,000 एक स्टॉक में डाल दिया। तो मैंने उनसे पूछा, क्या ये सही रास्ता है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का? अगर मैं डालता तो 2 लाख रुपये के एटलीस्ट 10 या 20 स्टॉक्स में कम से कम डालता, ताकि मेरा सारा पैसा एक कंपनी में ना इन्वेस्टेड रहे। अलग अलग डाइवर्सिफिकेशन सबसे इम्पोर्टेंट है। रिस्क असेसमेंट, रिस्क प्रोफाइलिंग, स्टॉक की रिस्क प्रोफाइलिंग देखो ना कि ये स्टॉक्स कितना अच्छा है, कितनी स्टेबल कंपनी है। तो मुझे उन साहब के लिए काफ़ी बुरा लगा, हालांकि उन्होंने मेरा आधा घंटा यूटिलाइज़ किया। मैंने उनको बोला कि सर ये तो चेंज करना पड़ेगा, बिहेवियर चेंज करोगे, इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी चेंज करोगे, इन्वेस्टमेंट प्रोसेस चेंज करोगे, तभी कुछ मार्केट से गेन कर पाओगे। अदरवाइज़ मार्केट सर भगवान है, भगवान सब कुछ ले सकता है, सब कुछ दे भी सकता है। तो उम्मीद करता हूँ सर आप भी इस चीज़ से लेसन लोगे, दूसरों की गलती से सीख लेते हैं ना, अच्छा है सर, खुद गलती ना करके दूसरों की गलती से सीख लेने, टाइम भी बचेगा, समय भी, पैसा भी बचेगा सर। 2 लाख रुपए का आपका AUM है तो उसको एटलीस्ट 10 से 20 कंपनी में डिवाइड करके रखो पैसे को। कभी भी पैसे को एक जगह, सारे पैसे को एक जगह नहीं रखना चाहिए। डाइवर्सीफाई, सेक्टर वाइज डाइवर्सीफाई करके रखो। बैंकिंग सेक्टर है, एनर्जी सेक्टर है, फाइनेंशियल सर्विसेज हैं, इलेक्ट्रिकल व्हीकल सेगमेंट है, बैटरीज है, तो इंटेलिजेंट इन्वेस्टमेंट है, IT डिपार्टमेंट है। इन सारे अलग अलग सेगमेंट्स में आप इन्वेस्टमेंट करो ना पैसे को। ग्रोथ सेक्टर्स ढूंढो, कौन सा सेक्टर ग्रोथ दे सकता है, अगले 5 साल किस सेक्टर में ग्रोथ आ सकती है, अगले 10 साल कौन सा सेक्टर गेम चेंजर हो सकता है। तो वो चीज़ें हम सब के लिए अच्छी रहेंगी सर पोर्टफोलियो में। अभी विदाउट वेस्टिंग टाइम सर हम चलते हैं स्टॉक्स की तरफ। पहले एक बार निफ्टी का चार्ट देखते हैं सर, निफ्टी क्या कहती है। ये पिछले 3 दिन की कैंडल्स है सर, अब देखेंगे क्या कैंडल्स आ रही हैं। ये निफ्टी में ये डोजी कैंडल, उसके बाद ये भी डोजी कैंडल, ये भी डोजी कैंडल। आज US मार्केट और यूरोप मार्केट हल्की सी पॉजिटिव नज़र आ रही हैं। क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो कैसे क्लोज होते हैं। हल्के ग्रीन में तो हम भी थे, देखो हल्के नहीं, अच्छे ग्रीन में तो हम भी थे। 16400 को लेवल को क्रॉस ही नहीं कर पाई। ये लाइन आप देख रहे हैं, ये वाली लाइन, ये काफ़ी पहले से ही है सर, ये हमने आज और कल में नहीं लगाई है। ये वाली लाइन काफ़ी पहले से ही है, इस लाइन के ऊपर क्रॉस करके बैठेगी निफ्टी तो लगता है कि 16400 क्रॉस करके 16800, उसके बाद अहम पड़ाव 16800 है। 16800 क्रॉस करेगी तो कुछ बात है, बट ये जो लाइन है ना, ये लाइन भी देखना बहुत इंपॉर्टेंट है सर। ये लाइन भी एक रेजिस्टेंस का काम करेगी जब निफ्टी यहाँ से इधर जाने की कोशिश करेगी, तो अपने जो ट्रेड्स है ना सर, इसके अकॉर्डिंगली यहाँ से हल्का सा यहाँ तक जा सकते हैं, यहाँ से इस लेवल को टेस्ट करेगी और यहाँ से गिरेगी, ऐसा हो सकता है। इसलिए हम आज एक लाइन और लगाते हैं पाथ। हो सकता है निफ्टी यहाँ से यहाँ जाए और फिर यहाँ भी पहुँचने की कोशिश करें, इस लेवल को टेस्ट करें, टेस्ट करके ऊपर जाए तो गुड है, टेस्ट करके फेल करे तो नीचे जाएगी 15500, उसके बाद 14500। लेवल्स पहले से ही मेंशन है सर, नोट किए हुए, हम इस लेवल के अकॉर्डिंग ही एक्शन और रिएक्शन करने वाले हैं। आज के दिन का सर पहला स्टॉक है आवास फाइनेंशियर्स लिमिटेड। अब ध्यान से देखेंगे सर,
ये जो है ना स्टॉक ने यहाँ पे सपोर्ट लिया, ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद ये 20 EMA ब्रेक किया, बट 200 EMA को रेजिस्टेंस लेके वापस नीचे। देखो 200 EMA टूटा नहीं इससे, फिर स्टॉक वापस से नीचे आया है, फिर से सर उसी लेवल पे सपोर्ट लिया है, 2 दिन से अच्छे उसमें चल रहा है, 20 EMA को आज क्रॉस नहीं कर पाया। तो पहला हर्डल तो यही है सर, 20 EMA। 20 EMA को क्रॉस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। 2306 रुपये पे अभी ट्रेड कर रहा है स्टॉक आवास फाइनेंशियल, तो 2325, 2326, 1% ऊपर वो पहला हर्डल है, उसको पार करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद 2365 ये आता है, तो हम सोचेंगे कि शायद ये स्टॉक 2450 रुपये तक जा सकता है। उसके बाद फिर से ये लेवल आएगा 2550 रुपये का। इस लाइन को हम यहाँ ना करके ना इस लाइन को 2200 EMA पर रखते हैं सर, 2550 के लेवल पे, 2540 के लेवल पे। ये 200 EMA बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ इसको ब्रेक करेगा तो ऊपर जाने की संभावनाएं आएंगी, और वहीं से फिर से रिव्यू करेंगे स्टॉक को। अभी फिलहाल शॉर्ट टर्म में थोड़े थोड़े प्रॉफिट, 2% 5% प्रॉफिट दिखे तो बुक करना चाहिए सर। सिचुएशन ऐसी है, मार्केट ऐसी है, पैसे को बचा के रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट स्टॉक है सर जय कुमार इंफ्रा प्रोजेक्ट। ये ना कुछ दिन पहले मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट आया था, उसके बाद ये जो पहला टारगेट था ना 248, वहीं से नीचे घूम रहा है। आज भी इसको टच करके आया है, 246 के करीब बन गया है। अभी क्लोजिंग है 235 पे। जब तक सर ये वाली जो लाइन है ना 232 28 इसके ऊपर है, तब तक स्टॉक अच्छा है। इसके नीचे जाता है तो स्टॉक नेगेटिव हो जाएगा, तो यही अपना स्टॉप लॉस है। 235 पे ट्रेड कर रहा है, 245 to 265 इन टारगेट के साथ आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। इन्वेस्टमेंट सर डाइवर्सिफाई तरीके से करना, स्टॉप लॉस के साथ करना। नेक्स्ट स्टॉक सर GNFC, गुजरात नर्मदा। स्टॉक देखिए आप चेक करेंगे कैंडल स्टिक्स, ये कैंडल डेली कैंडल स्टिक्स है। 20 EMA को ब्रेक करके 50 EMA पे सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेने के बाद आज क्या हुआ है, आज अच्छे वॉल्यूम के साथ पुल बैक करने की कोशिश की है, बट 20 EMA को क्रॉस नहीं कर पाया स्टॉक। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है 20 EMA। तो पहले, सबसे पहले तो सर यही चीज़ देखने वाली कि क्या ये 20 EMA को क्रॉस करेगा। कल क्रॉस करता है तो पहला ही टारगेट तो 20 EMA, उसके बाद 236 256 इन टारगेट, छोटे टारगेट के साथ आप इन्वेस्टमेंट करिए सर। स्मॉल स्मॉल मिलाते जाओ, फिर लार्ज बनेगा। बूंद बूंद से घड़ा भरने वाली बात है सर एट प्रेजेंट सिचुएशन। अब देखेंगे धीरे धीरे, अभी यहाँ से ओवरसोल्ड जोन के अंदर है, डिमांड जोन के अंदर आ रहा है स्टॉक, तो यहाँ से आप इसमें एंट्री ले सकते हैं। स्टॉप लॉस सर ये देखो, यहाँ पे ये ब्रेक करेगा ना इस वाले लेवल को, 766, ये इसका लॉन्ग टर्म का थोड़ा सा दूर का स्टॉप लॉस रख रहे हैं। नेक्स्ट स्टॉक है सर शारदा कॉर्प कैम। आज ये स्टॉक डे टाइम में भी हमने यूज किया, स्टॉक ऊपर गया बट फिर वापस से क्लोज हो गया जिस लेवल पे दिया था, 632-633 पे दिया था। 644 का हाई बनाया, जिसने बुक किया उसको पैसा मिला होगा, जिसने नहीं किया होगा वो अभी भी इसमें होल्ड कर रहा है। तो पहला टारगेट तो सर 20 EMA है 644, सेकेंड टारगेट विल बी 660 अराउंड। स्टॉक 20 EMA एंड 50 EMA के इन बिटवीन है। अभी क्या हो सकता है, पहला टारगेट 20 EMA, 20 EMA को ब्रेक करता है तो डेफिनेटली वी कैन थिंक अबाउट 660 एंड 700। मार्केट बहुत नेगेटिव जा रहा है सर, इस बीच में स्टॉक्स ढूंढ के लाना, अच्छे स्टॉक्स ढूंढ के लाना डेफिनेटली ये इज़ नॉट दैट ईजी। बोलते हैं ना हलवा नहीं है, हलवा होता है तो सर सब बना के खा लेते, सब पैसा बना लेते सर। लोग इतने मतलब नेगेटिव विचारों वाले नहीं होते ना, मतलब इतने नेगेटिविटी। अभी देखो मार्केट, देखो एक और चीज़ बताता हूँ सर मैं वीडियो के बीच में, थोड़ा सा मैं जा रहा हूँ इधर भटक रहा हूँ तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना। देखो बिहेवियर कितना इंपॉर्टेंट है, जब मार्केट भाग रही होती है ना ऊपर तो सब मतलब वो टाइम होता है प्रॉफिट बुक करने का। भाई लालच से बचना क्या है, लालच लालच करते रहोगे 2 रुपये और बढ़ जाए, 5 रुपये और बढ़ जाए स्टॉक, तो ये लालच है सर, ये फंसवाता है बंदे को।
ये ट्रेडर को फंसवाता है लालच। तो टाइमली प्रॉफिट बुकिंग में हमेशा कहता हूँ सर, वीडियो में भी कहता हूँ, टेलीग्राम पे मैसेज भी करता हूँ कि सर टाइम पे प्रॉफिट बुक कर लीजिए प्लीज़। जो लोग कर लेते हैं वो इस लालच से बाहर निकल जाते हैं, जो नहीं करते हैं वो 2-5 रुपये के चक्कर में स्टॉक है सर ऊपर जाएगा नीचे भी जाएगा सर, नीचे चला जाता है, फिर मैसेज करते हैं कि ये तो इतना रुपये नीचे आ गया। तो सर जैसे रेणुका शुगर है, रेणुका शुगर में सर हम तो 14.5 रुपये से इन्वेस्टेड हैं, 40 रुपये भी आया था 62 रुपये भी गया है। तो सर वो 40 रुपये पे भी 50 रुपये पे भी प्रॉफिट बुक करना चाहिए था किसी को, 60 रुपये भी करना चाहिए था। अब वो 62 का स्टॉक वापस 40 आने वाला है, अभी हम 40 या 37 आएगा तो फिर से इन्वेस्टमेंट की सोचेंगे उसके अंदर। बिहेवियर बहुत इंपॉर्टेंट सर, राइट टाइम पे प्रॉफिट बुक करना या स्टॉप लॉस बुक करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट स्टॉक है सर ऑयल इंडिया लिमिटेड। कल तक ये स्टॉक देखो कितना अच्छा लग रहा था, बट ये जो लाइन है ना इसको पार नहीं कर पाया आज के दिन में, क्योंकि कल क्रूड काफ़ी गिरा है, क्रूड काफ़ी गिरा है तो ओआईएल भी गिरना था, ओआईएल भी गिर गया सर। ये जो सपोर्ट की लाइन थी इसको ब्रेक किया अपने 100 EMA को ब्रेक किया, अभी नेक्स्ट टारगेट हो सकता है 200 EMA के पास जाए। स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है 215 पे, नाउ 200 EMA इज 208 लेवल्स, इफ द स्टॉक ब्रेक्स 208 लेवल देन वी कैन सी 190 लेवल्स, देन आफ्टर वी कैन सी 170 लेवल्स। यू कैन सी क्लियरली स्टोकास्टिक्स डाउन ट्रेंड, यू कैन सी MACD ब्लू लाइन बिलो द रेड लाइन डाउन ट्रेंड। तो हम इसमें और भी करेक्शन हम देख सकते हैं, तो आप इसके अंदर शॉर्ट सेलिंग भी कर सकते हैं पैसा बनाने के लिए इंट्राडे में। नेक्स्ट होगा सर वेल्सपन कॉर्प। अब देखो वेल्सपन कॉर्प का मैं आपको दिखाता हूँ, कभी हमने ये एंट्री 139 पे ली थी, ओके 139-140 पे एंट्री लिया होगा, टारगेट 165-20 to 230। अब देखो कोई सज्जन 230 के लिए वेट कर रहा है, भाई 230 आएगा तभी निकलूंगा मैं, जिद्दी आदमी है ना, आदमी जिद पकड़ के बैठ जाता ना, मैं तो इसी से पैसा कमाऊंगा भाई और सारा पैसा इसी से ही कमाना है बस मुझे। 230, अब 230 तो नहीं आया सर, 230 तो नहीं आया भाई, इसका मतलब मैंने आपको गलत आइडिया दिया, स्टॉक आइडिया गलत दिया है, यही बात बोलोगे ना आप, इसने तो स्टॉक आइडिया गलत दिया है मेरे को। वीडियो में गालियाँ भी लिखेंगे फिर कुछ लोग, वीडियो के कमेंट में वहाँ पे फिर गालियाँ भी लिखते हैं, हमारा बेवकूफ़ बना दिया, हमारा ये कर दिया। सर ये भी तो देखिए स्टॉक ने 140 से 165 भी गया, 202 भी गया, 220-230 नहीं गया, 220 से वापस आ गया, तो सर आपने प्रॉफिट क्यों नहीं बुक किया? आप नहीं बुक करोगे तो प्रॉफिट कोई भी और भी बुक कर ले जाएगा सर। तो अभी अपॉर्चुनिटी आ रही है वेल्सपन कॉर्प में डाउन साइड के अंदर, पिछले 2 दिन में इसने 20 EMA 50 EMA और 100 EMA ब्रेक किया, नेक्स्ट टारगेट इज 200 EMA जो कि 160 अराउंड है, 162-163, नेक्स्ट सपोर्ट अगेन 135। तो यहाँ तक के लिए सर शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं, ओवरसोल्ड जोन के अंदर स्टॉक जा चुका है, यहाँ से भी सपोर्ट लेके जा सकता है, बट कल इसको ब्रेक करता है तो डेफिनेटली हम 160 के लिए जा सकते हैं। तो सर आज के दिन में ये स्टॉक थे, कुछ बाइंग साइड में स्टॉक थे, कुछ सेलिंग साइड में स्टॉक थे। इसके अलावा डे टाइम में अपन जो लोग टेलीग्राम पे हैं वो यहाँ पे जुड़ सकते हैं, मनी मंत्रा विद दीपक रोहिला टेलीग्राम पे, शॉर्ट टर्म कैश पोजीशंस है वो फ्री ऑफ कॉस्ट सर, केवल हल्के सी चार्जेस के साथ ऑप्शन स्टॉक ऑप्शंस के चार्जेस लिए जाते हैं, वो भी इसलिए ताकि वो लोग ही एंटर करें जिसको स्टॉक्स ऑप्शंस का पता है, ऑप्शंस के रिस्क के बारे में पता है, ऑप्शंस के रिवार्ड के बारे में पता है। ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी कॉल इज गिविंग डिसेंट प्रॉफिट, अब चेक करेंगे देखेंगे तो आपको भी पता लग जाएगा। जो लोग कॉस्मो फीड वाली ट्रेड कॉल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो उस पर लिंक पे क्लिक कीजिए और कॉस्मो फीड पे हमारे साथ जुड़े, चेक कीजिए पता लग जाएगा आपको भी। तो सर आज के वीडियो में इतना ही था, जो लोग पहली बार चैनल पर आए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सर प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल के आइकन को दबाइए, बेल का आइकन दबाएंगे तभी आपको मिलेंगे अच्छे क्वालिटी के स्टॉक्स अपडेट्स
आपके फ़ोन पे, आपके यूट्यूब पे। आप भी सब्सक्राइब कीजिए सर, अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करवाइए, अपने फैमिली फ्रेंड्स को भी सब्सक्राइब करवाइए। आज के वीडियो में इतना ही था दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग मनी मंत्रा। मनी मंत्रा पे बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद दोस्तों। लास्ट में वीडियो ख़त्म करने से पहले फिर कहूँगा सर, बिहेवियर पैसा बनाता है सर। किस्मत सबकी अलग अलग होती है, बट बिहेवियर इज़ अ मेन डिफरेंस। स्टॉक मार्केट में आपका बिहेवियर ही आपका डिफरेंस है दूसरे लोगों से पैसे के।